परिवार से मिलने के लिए उनके घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए कमरे के अंदर वो गए हैं, कमरे के अंदर जाकर परिवार से मुलाकात की जा रही है। हालांकि बरामदे में बैठकर मुलाकात करनी थी लेकिन जितनी भीड़ यहाँ पर ज्यादा है, काफी मीडिया कर्मी है, कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा घेरा बकायदा बनाया गया है। जिस कमरे में वो जाकर मुलाकात कर रहे हैं कमरे का दरवाजा बंद रखा गया है, सामने अभी ये मुलाकात नहीं हो रही है, तस्वीरें नहीं दिख रही है क्योंकि कमरे के अंदर परिवार से मुलाकात की जा रही है, सुरक्षा घेरा है बाहर, काफी सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात है। लेकिन जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी को यहाँ पर आना था उससे पहले भी यहाँ पर आकर सिक्योरिटी चेक किया गया, पुलिस भी यहाँ पर पहुंची लेकिन अभी यहाँ पर देखिए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है क्योंकि काफी ज्यादा मीडिया कर्मी है। काफी देर से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि राहुल गांधी करीब 3 घंटे पहले वहां पर नोएडा से चले थे और उसके बाद अब यहाँ पर आखिरकार पहुंचे हैं। 2 दिनों से वो अटेम्प्ट कर रहे थे कि वो यहाँ पर आकर परिवार से मुलाकात करना चाहते हैं और आखिरकार आज वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से 5 लोगों के डेलीगेशन की परमिशन दी गई थी और 5 लोगों के साथ राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके साथ केसी वेणुगोपाल है, प्रियंका गांधी है, मुकुल अधीरंजन है और यहाँ पर गाड़ी में यहाँ पर पहुंचे लेकिन वहां से कुछ देर पैदल चलकर आए और उसके बाद अब सीधा आकर बरामदे में बैठना चाह रहे थे लेकिन भीड़ ज्यादा थी इसीलिए सीधा कमरे में ले जाया गया। कमरे में अभी मुलाकात चल रही है, पिछले करीब 10 मिनट से मुलाकात चल रही है और अभी परिवार के साथ ही बैठकर अंदर बातचीत की जा रही है। कितनी देर यहाँ पर रहेंगे ये अभी देखना होगा कि कितनी लंबी ये मुलाकात चलती है क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि परिवार का दुख बांटना चाहते हैं। प्रियंका गांधी भी ट्वीट करके ये कह रही थी कि इंसाफ मिले बेटी को और ये कहना चाह रही थी कि वो वहां पर जाना चाह रहे हैं। ऐसे में अब क्योंकि इजाजत मिल गई अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब देखना होगा कि परिवार से क्या बातचीत होती है। जाहिर तौर पर लंबा वक्त जो है वो परिवार भी यहाँ पर इंतजार कर रहा था कि अगर वो आ रहे हैं कितनी देर में आ रहे हैं और उसके बाद तमाम मीडिया कर्मी भी इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी कितनी देर में यहाँ पहुंचे और आखिरकार अब पहुंच गए हैं। यहाँ पर इस वक्त कमरे के अंदर मुलाकात चल रही है परिवार के साथ, परिवार के जो सदस्य हैं, पीड़िता की माँ, पीड़िता के पिता, भाई और भाभी, मुख्य सदस्य है वो कमरे के अंदर मौजूद है और उनसे मुलाकात चल रही है। सुरक्षा घेरा बाकायदा बनाया गया है, सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह की चूक ना हो, ऐसे में यहाँ पर काफी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है क्योंकि सुबह से पुलिस फोर्स घर के अंदर नहीं थी, सिर्फ जब यूपी के डीजीपी जब यहाँ पर आए थे और अपर मुख्य सचिव जब यहाँ पर पहुंचे थे तब पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंचे। लेकिन आज सुबह से देखा गया कि पुलिस फोर्स घर के अंदर नहीं आ रही थी, सिर्फ बाहर खड़े होकर बाहर ही उनकी तैनाती थी और अभी यहाँ पर अभी पुलिस फोर्स पहुंची है क्योंकि राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को आना था, उससे 5 से 10 मिनट पहले यहाँ पर आए, पूरा मुआयना किया। जो लोग यहाँ पर बाहर से आकर नेता भी कुछ बैठे थे उन्हें भी वहां से हटा दिया गया और ये कहा गया कि बाद में आप बैठिएगा। लेकिन अभी यहाँ पर बरामदे में इस वक्त जो तस्वीर मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊंगी लेकिन जो तस्वीर इस वक्त यहाँ पर बरामदे से है वो यही है कि पूरे सुरक्षा कर्मियों से भरी हुई है, पुलिस फोर्स यहाँ पर है, मीडिया कर्मी यहाँ पर है। राहुल गांधी से जाहिर तौर पर हर कोई पूछना चाहता है कि इतना लंबा सफर आप तय करके आए हैं, आप परिवार से मिलना चाहते थे, क्या बातचीत हुई है? अभी करीब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर मीडिया यहाँ पर परिवार से बातचीत करते हुए। अब देखना होगा कि परिवार को क्या ढांढस बांधा रहे हैं, परिवार को किस तरह सांत्वना दे रहे हैं। तो ये देखे ये तस्वीरें आपको दूसरे कैमरा से दिख रही होंगी कि किस तरह यहाँ पर भारी भीड़ यहाँ पर मीडिया कर्मियों की भारी भीड़ इस वक्त सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। परिवार के जो बाकी के सदस्य हैं वो दूसरे कमरे में हैं, परिवार के मुख्य सदस्यों से मुलाकात इस वक्त चल रही है, परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया जा रहा है। तो ये इस वक्त तस्वीर है पीड़िता के गांव की, हाथरस के इस गांव की, जहां पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे हैं। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ ये बरामदा है, इसके अलावा घर जहाँ पर राहुल गांधी गए हैं वो यहाँ से कुछ 2-4 कदमों की दूरी पर घर के जो 2 कमरे हैं उन 2 कमरों में से एक कमरे में पीड़ित परिवार से मुलाकात इस वक्त चल रही है और पिछले 15 मिनट से मुलाकात चल रही है। राहुल गांधी भारी सुरक्षा फोर्स के बीच में पहुंचे हैं, भारी इस वक्त सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा लगाई गई है क्योंकि कांग्रेस के करीब 4 नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, 5 नेता, राहुल गांधी भी उनके साथ है, प्रियंका गांधी भी है और खुद वो गाड़ी में आए हैं। अमित पाल, अमित अभी आपने अंदर की तस्वीरें देखी, कैसी तस्वीरें देखी? राहुल गांधी सीधा यहाँ बैठना चाह रहे थे क्या? हम बताना चाहते हैं कि इंडिया टीवी पर सबसे पहले आपने सबसे पहले इंडिया टीवी पर राहुल गांधी को देखा है और जब राहुल गांधी वहाँ पर बात कर रहे थे परिवार के साथ और जब उनके पिता को लेकर अंदर जा रहे थे हम वहाँ पर मौजूद थे, हमने हमारे गन माइक से उनको सामने रखा, हमने पूछा कि आखिर क्या बोलना चाहते हैं राहुल गांधी, तो उनके उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा कि उनको बोला कि हम अंदर ले जाएंगे, अंदर जाके बात करेंगे। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब सबसे पहले यहाँ पहुंचे तो आपने देखा कि किस तरह से
परिवार को लेकर वो अंदर गए। पहले ये तय हुआ था कि नीचे बात करेंगे, यहीं बैठ कर जिस तरह से डीजीपी और एडिशनल होम सेक्रेटरी से बात करनी थी, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने जब देखा कि यहाँ पर मीडिया है तो उन्होंने सामने बातचीत नहीं की, वो अंदर ले जाके बात कर रहे हैं। अगर वो बाहर बातचीत करते तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता, हम जान पाते कि आखिरकार जो परिवार है, परिवार के जो क्वेश्चन है, जो शिकायतें हैं, वो राहुल गांधी को बता रहे थे और ये हो नहीं पाया, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। लेकिन अगर राहुल गांधी बाहर बातचीत करते तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता, लेकिन वो उनको लेकर अंदर गए हैं। अच्छा संदेश जाता है, जब तस्वीरें अगर दिखती मीडिया के सामने बैठकर वो बात करें, क्योंकि जिस तरह यूपी के डीजीपी भी आए, अवनीश अवस्थी भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने बकायदा हर चीज नोट की कि क्या परिवार की शिकायतें हैं, परिवार के करीब हर सदस्य से मुलाकात की। ऐसे में अभी सिर्फ एक कमरे के अंदर मुलाकात चल रही है, तो मुख्य वजह क्या सिक्योरिटी है या सिर्फ प्राइवेट में ही परिवार से मिलना चाह रहे हैं? देखिए जब हमने वहाँ पर देखा था, यहाँ पर सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं थी गोनिका की, हम लोग यहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर किस तरह से आके सबसे पहले जो उनकी सिक्योरिटी ने सबको बाहर निकाल दिया था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर परिवार ही वहाँ पर मौजूद था, परिवार के अलावा कोई नहीं था। अगर परिवार वहाँ पर रह के, परिवार वहाँ पर रहता और वहाँ पर कोई नहीं होता, आराम से बात कर सकते थे, मीडिया दूरी थे, कोई मीडिया वाले अंदर नहीं गए थे, यहाँ पर रस्सियाँ भी लगाई गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चूज किया कि वो अंदर ले जाकर बात करें। जो हम पहले बात कर रहे थे कि हो सकता है कि राहुल गांधी यहाँ बात नहीं करेंगे, अंदर कमरे में ले जाकर बात करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बात करते तो बेहतर संदेश होता और हम सबको पता लगता कि आखिर क्या बातचीत हो रही है। जितनी भीड़ दिखाई दे रही है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी तक पहुंचा भी जा सके, लेकिन अभी कमरे का दरवाजा बंद है, सिक्योरिटी फोर्स तैनात है और हम आपको दूसरे कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें, कितनी ज्यादा भीड़ है। लेकिन जब उनकी सिक्योरिटी अंदर आई थी, पुलिस फोर्स अंदर आई, तो उन्होंने बकायदा वो बरामदे को खाली करवाया, जो चटाई नीचे बिछी थी वहां से लोगों को हटाया कि आप यहां से हट जाइए, सिक्योरिटी का कंसर्न है, और वहां से वो जगह खाली भी हो गई थी। लेकिन जब अंदर पहुंचे तो आखिर क्या वजह रही कि कमरे में जाकर वो मुलाकात कर रहे हैं, बरामदे में क्यों नहीं बैठे, क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा है तो सुरक्षा घेरा बनाया जा सकता था। ऐसे में क्यों अंदर जाकर मुलाकात चल रही है, और अगर अंदर जाकर मुलाकात चल रही है तो क्या बातें हो रही है वो मीडिया के सामने शायद नहीं आ पाएंगे अगर राहुल गांधी बात करेंगे। अभी देखिए अंदर मूवमेंट जो है, मूवमेंट अंदर हो रही है, अभी शायद हो सकता है कि पूरा मुलाकात खत्म होने वाली है, शायद अभी वो निकल सकते हैं, क्योंकि अभी सिक्योरिटी फोर्स का जो मूवमेंट है वो शुरू हो गया है। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर कोई राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता है कि आखिर आप परिवार से मुलाकात करके निकले, आपने क्या बातचीत की है, प्रियंका गांधी से पूछना चाहता है कि आप दो दिनों से कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको हाथरस नहीं जाने दिया, लेकिन आज आप आए हैं तो क्या बातचीत की है, क्या मदद की, जो आप कह रहे हैं कि हम परिवार को हर मदद करेंगे, तो क्या मदद का ढांढस आपने बंधाया है, क्या कहना चाहते हैं? अमित, और क्या तस्वीरें आपने देखी राहुल गांधी के, हाव भाव क्या देखे जब वो अंदर की तरफ गए, परिवार से जब अगर किसी सदस्य से बातचीत हो रही थी? देखिए राहुल गांधी जब यहाँ पर आए, जब हम बिल्कुल उनके सामने थे, क्योंकि जहाँ पर परिवार बैठा हुआ था उसके जगह पे हम लोग बैठ के राहुल गांधी से बातचीत कर रहे थे, और हमने जब बोला कि हमने परिवार से पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी को हमने देखा, राहुल गांधी गुस्से में लग रहे थे, हम कह सकते हैं कि बहुत गुस्से में थे, और क्या गुस्सा हमें नहीं पता है, लेकिन राहुल गांधी इसलिए सीधा उनको लेकर अंदर गए, राहुल गांधी ने यहाँ पर बातचीत नहीं की। उनके साथ प्रियंका गांधी थी, प्रियंका गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ज्यादा हमें लगा कि ज्यादा नॉर्मल है, उनके अंदर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के अंदर एक एंगर नजर आ रहा था। हो सकता है इसकी वजह यह हो कि जब इससे पहले जब वो आने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान राहुल गांधी को रोक दिया गया था, वो यमुना एक्सप्रेस वे से आगे नहीं आ पाए थे, उनको वहां रोका गया था, आज उनको मौका मिला है। और हम देखते हैं कि राहुल गांधी जब इस तरह के, खासतौर इस तरह के जो मामले होते हैं वहां पर, वो कितने एग्रेसिव होते हैं, और खासतौर पर अगर वहां पर बीजेपी की सरकार हो और योगी आदित्यनाथ की सरकार हो तो वो बहुत ही ब्लंटली उनके खिलाफ बोलते हैं, और वो जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है राहुल गांधी का, इस वक्त यहां देखने को मिला था, क्योंकि राहुल गांधी ने कोई बातचीत नहीं की, सिर्फ उन्होंने परिवार को बोला आप अंदर आइए, अंदर हम आपसे बात करेंगे, यहां बात नहीं करेंगे। हालांकि हम यहां बोल रहे थे कि यहां पर आप बात करें, आप यहां पर बात करें जिससे कि मीडिया सामने देख पाए आप क्या बात करें, जिस तरह से आज सुबह यहां पर आला अधिकारी आए थे। लेकिन प्रियंका गांधी जो कि ज्यादातर हम देखते हैं कि अपने लिखने में या बोलने में एग्रेसिव होती है, लेकिन वो बहुत ही काम थी, और दोनों इसके बाद परिवार को लेकर अंदर गए हैं, और अब देखना होगा कि जब वो बाहर निकलते हैं वो मीडिया से बात करते हैं कि नहीं, क्योंकि उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि वो हमसे बात करें, लेकिन लग नहीं रहा है कि शायद वो बात कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे गोनिका की हमसे बात करें। बिल्कुल, करीब 10 मिनट का वक्त जो है वो बीत चुका है, परिवार से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ अंदर ही मौजूद है। जिस तरह अमित ने भी बताया कि वो आए और सीधा परिवार से कहा कि अंदर बातचीत करते हैं, अंदर क्यों बातचीत, क्यों बाहर बैठ के बरामदे में बातचीत नहीं की गई। और इंडिया टीवी आपको पिछले 6 दिनों से यही तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरह के हालात गांव में है, इंडिया टीवी आपको हर खबर पहुंचा रहा है, और जब पिछले 2 दिनों से मीडिया को रोकने भी कोशिश की गई तब भी इंडिया टीवी डटा रहा, और इंडिया टीवी ने आप तक हर तस्वीर पहुंचाई है, और आज भी जब मीडिया को इजाजत दी गई यहां पर 2 दिन बाद, तब हम इंडिया टीवी अंदर आए और परिवार के हर सदस्य से हमने बातचीत की और आप तक तस्वीर पहुंचाई, परिवार की बात को पहुंचाया कि आखिर ये देखिए आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर तस्वीर देख रहे हैं पहली बार कि किस तरह राहुल गांधी यहां पर पहुंचे। हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई कि किस तरह राहुल गांधी अंदर आए, प्रियंका गांधी के साथ सुरक्षा घेरे के बीच परिवार के साथ गए। जी जी
इंडिया में थे। हम लोग यहाँ पर आपको इंडिया टीवी पर आप घर के अंदर की तस्वीर लगातार देख रहे हैं। हमने सबसे पहले आंगन की तस्वीर दिखाई थी और इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर यहाँ पर राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं परिवार के साथ। और इंडिया टीवी पर आप ये देख रहे हैं कि लगातार हम इस खबर पर हर वक्त हर पल आपको सबसे पहले तस्वीरें दे रहे हैं, सबसे पहले हम आपको परिवार की बात बता रहे हैं। और आज भी जब राहुल गांधी पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी पहुंचे हैं, आप देखिएगा कि सबसे पहले तस्वीर आप तक पहुंची है। जब हमने राहुल गांधी से पहुंचते ही हमने बात की थी हमारे माइक पर, उन्होंने ही कहा है कि आइए हम लोग अंदर चलते हैं, परिवार को सामने ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे सवाल का जिस तरह प्रियंका गांधी का नेचर देखा भी जाता है कि वो आती है महिलाओं से बात करती है। और आज हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर कि किस तरह प्रियंका गांधी जब परिवार के साथ अंदर बातचीत कर रही है, प्रियंका गांधी पीड़िता की भाभी को ढांढस बंधा रही है, उनसे बातचीत कर रही है, गले मिलकर उनसे उनको सांत्वना दे रही है। अंदर की तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं कि इंडिया टीवी वो चैनल है जो डटा रहा है पिछले कुछ दिनों से, और इंडिया टीवी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। और पहली बार आप इंडिया टीवी पर वो तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह राहुल गांधी प्रियंका गांधी अंदर परिवार से बातचीत कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी जिस तरह उन्हें देखा जाता है कि कई बार वो महिलाओं के बीच में जाकर बैठ जाती है और भाभी के साथ बात कर रही है, भाभी को गले लगा रही है, भाभी को सांत्वना दे रही है और परिवार के तमाम सदस्य से मुलाकात इस वक्त चल रही है। प्रियंका गांधी जो काफी मुखर रही है इस विषय को लेकर, कई बार ट्वीट करती नजर आई है, वो खुद उस दिन भी राहुल गांधी के साथ थी और आज भी राहुल गांधी के साथ वो वहां से निकली है, खुद ड्राइव कर रही थी कुछ रास्ते तक और अभी परिवार के साथ अंदर भाभी के साथ वो मुलाकात कर रही है, भाभी के साथ बातचीत कर रही है, भाभी को ढांढस बंधा रही है। लेकिन बातचीत क्या हो रही है, जैसे ही वो बाहर आएंगे उनसे सवाल हम पूछेंगे कि आखिर वजह क्या रही कि अंदर जाकर आपको बातचीत करनी पड़ रही है, क्योंकि सुरक्षा घेरा तो यहाँ पर है, सुरक्षा घेरे के बीच में बैठकर बरामदे के बीच में क्यों बातचीत नहीं की जा रही। और यहाँ पर बातचीत इस वक्त राहुल गांधी की पिछले करीब 12 से 13 मिनट से ये बातचीत चल रही है राहुल गांधी की प्रियंका गांधी की परिवार के सभी सदस्यों के साथ। उनकी यही मांग थी कि मिलने दिया जाए, अब मिलने दिया गया है तो आखिर क्या बात करने आए हैं, क्या कहा जा रहा है परिवार से। अमित, इसके अलावा और क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिस तरह प्रियंका गांधी अंदर ढांढस बंधा रही है, गले मिल रही है, राहुल गांधी की क्या तस्वीर निकल कर? बिल्कुल बिल्कुल गोरेगा, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अनकट। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मीटिंग हो रही है राहुल गांधी की परिवार के साथ अनकट आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर राहुल गांधी की जब एंट्री हुई थी इस घर में, तब से लेकर अब तक जो बातचीत चल रही है आप अनकट इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। पहली बार ये तस्वीरें देख रहे हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी किस तरह से परिवार के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत आपको बता दें बहुत अहम है, क्योंकि इसके बाद आपको बता दें राहुल गांधी जब निकलेंगे तब सबसे देखना होगा परिवार का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि उससे पहले हमने जो बातचीत की थी उस दौरान हमने देखा था। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बाई तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर, पहली तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह राहुल गांधी अंदर मौजूद है, परिवार से बात कर रहे हैं और प्रियंका गांधी जो उनके साथ पहुंची है वो पीड़िता की भाभी के साथ मुलाकात कर रही है, पीड़िता की भाभी से बातचीत कर रही है, सारा दुख दर्द जान रही है, पूरी स्थिति के बारे में बात कर रही है कि क्या हुआ था, क्या उनकी ननद के साथ हुआ, किस तरह पुलिस ने परेशान किया या क्या उन्हें पूरी परेशानी हुई, क्या उनकी मांग है, गले लगाकर उनसे बातचीत कर रही है। ये प्रियंका गांधी की तस्वीर आप मेरे भाई तरफ देख रहे हैं और जो मुलाकात चल रही है इस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी नेताओं की प्रियंका गांधी की परिवार के बाकी सदस्यों के साथ, वो मुलाकात की तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। और जो भीड़ है वो इस वक्त काफी ज्यादा है क्योंकि पुलिस फोर्स इतनी ज्यादा अब अंदर बढ़ा दी गई है। पुलिस फोर्स अभी सिर्फ आज जब से सुबह हमारे यहाँ अंदर दाखिल हुए तब से पुलिस फोर्स घर के अंदर नहीं थी, लेकिन उससे पहले परिवार का कह रहे हैं कि छत पर भी पुलिस जाकर बैठ रही थी, छत पर जाकर प्रशासनिक अधिकारी बैठ रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर पुलिस फोर्स आज सुबह से अंदर नहीं थी, सिर्फ जब डीजीपी आए और अपर मुख्य सचिव आए तब पुलिस अंदर आई थी, लेकिन आज पुलिस अब अंदर आई है, सिक्योरिटी का मुआयना लिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर है और दरवाजा बंद है। देखिए मुख्य तौर पर यह कि दरवाजे के अंदर मीटिंग चल रही है, परिवार के साथ बातचीत जो हो रही है वो बंद दरवाजे में हो रही है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, सिर्फ परिवार के सदस्य अंदर है और कोई अंदर नहीं जा रहा है। और लेकिन जो तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव उसके बावजूद दिखा रहे हैं कि बंद दरवाजे के अंदर जो मीटिंग हो रही है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह राहुल गांधी अंदर मीटिंग कर रहे हैं, प्रियंका गांधी उनके साथ है, प्रियंका गांधी पीड़िता की भाभी के साथ मुलाकात कर रही है, सांत्वना दे रही है, जो भी दुख दर्द उनका है वो दुख दर्द बांट रही है। ये तस्वीर आप एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर देख रहे हैं और इंडिया टीवी ने आपको वो तस्वीर दिखाई कि कैसे राहुल गांधी हाथरस के अंदर एंटर हुए, हाथरस के अंदर जब 3 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, जब गांव के बाहर जहां
बैरिकेडिंग लगा है वहां से लेकर यहां पर पीड़ित के परिवार के घर तक पहुंचने का डिस्टेंस, और उसके बाद जहां गाड़ी लगाई वहां से पैदल चलकर आए हैं कांग्रेस के बाकी नेताओं के साथ, और जैसे ही दाखिल हुए हमने वहां भी तस्वीरें हम आपको दिखाई। और अभी 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 हम अपने बाकी सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे। कुमार सोनू इस वक्त बाहर हमसे जुड़े हुए हैं, दीक्षा पांडे उनके साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कुमार, इस वक्त बाहर किस तरह का नजारा है, किस तरह की तस्वीरें आप बाहर देख रहे हैं, क्या कार्यकर्ता बाहर जमा है? डीजीपी और अपर मुख्य सचिव यहां पर आए थे, उनसे बात करके गए थे, कई तरह के आश्वासन दिए, सुरक्षा का वायदा किया, साथ ही साथ कठोर से कठोर दोषियों की कार्रवाई की बात की थी। लेकिन अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी पहुंचे हैं, ये दूसरा अटेम्प्ट है। इससे पहले भी एक बार आने की कोशिश की गई थी राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तरफ से, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, पुलिस ने मना कर दिया था और सड़क को जो बंद कर दिया था। और उसके बाद प्रियंका गांधी तो अभी कुमार सोनू से संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत है, लेकिन हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर, पहली तस्वीरें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के बाकी नेताओं की जो यहां पर पहुंचे हैं, हाथरस जाने की मांग शुरू से कर रही थी कांग्रेस का कहना था कि रोका क्यों जा रहा है, अब आज रोका नहीं गया, आज सिर्फ यही कहा गया कि आप डीएनडी फ्लाईवे पर जब पहुंचे राहुल गांधी, उन्होंने खड़े होकर मंच पर बातचीत करने भी कोशिश की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, और जब उन्हें इजाजत दे दी गई, खुद अपर मुख्य अपर सचिव ने कहा कि 5 लोगों के डेलीगेशन की इजाजत दी जाएगी, कोई भी अगर पार्टी जाना चाहती है तो 5 दलों के डेलीगेशन के साथ जा सकती है, 5 सदस्य जा सकते हैं, और 5 सदस्यों के साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी को हमने देखा कि सबसे पहले वो दाखिल हुए, उनके पीछे प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जो बाकी नेता है वो दाखिल हुए, और सीधा आते ही वो परिवार पीड़िता के पिता से मिले, पीड़िता के पिता से कहा कि आप चलिए अंदर की तरफ, अंदर जाकर बात करते हैं, और जब से अंदर गए हैं और करीब अब से आप कहें तो 20 मिनट का वक्त जो है वो बीत चुका है, परिवार से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ अंदर मौजूद हैं, बंद दरवाजे के अंदर बैठक हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर। आप तो पहली तस्वीरें देख रहे हैं प्रियंका गांधी किस तरह पीड़िता की भाभी को ढांढस बंधा रही है, सांत्वना दे रही है, गले मिल रही कर उनका दुख बांट रही है, क्योंकि वो लगातार यही कह रहे थे कि हम परिवार के पास जाना चाहते हैं, इंसाफ दिलाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या बातचीत। हाँ अमित, क्या क्या अपडेट आप लेकर? मैं अपडेट ये लेके आया हूँ कि